अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरशद नदीम की अभी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, उनकी हिस्टोरिक विक्ट्री को एंजॉय कर रहे हैं और अगस्त के महीने ने उनकी इस हिस्टोरिक विक्ट्री को चार चांद लगा दिए हैं। ऐसे में एक और कौमी हीरो की खबर आती है और वो इंतहाई दहला के रख देती है क्योंकि उसमें उनकी शहादत हो जाती है। एक ऐसा कौमी हीरो जो अपनी जिंदगी में बड़ी कसम कुर्सी में रहा और उसने पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद किया और ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जैसे अक्ल दंग रह जाए। और मजेदार बात जहां पर यह है कि वो सर्दियों में कोई पैमाई करता था और गर्मियों में ट्रैक्टर चलाता था अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। अब वो इस दुनिया में नहीं है, अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है और पाकिस्तान के बड़े बड़े जो आला ओहदेदार हैं इस वक्त उसे याद कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। वो जिंदगी में किन हालात में था आज मैंने वो वीडियो आपको दिखानी। इसके अलावा मरने से पहले की आखिरी वीडियो भी मैं आपको उनकी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो किन हालात में था। आज मुल्क के सदर उन्हें याद कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के अलकाबात से नवाजा जा रहा है, लेकिन जब दुनिया से चला गया तब जिंदगी में वो किन हालों में था आज की इस वीडियो में आपको पता लगेगा। इसके अलावा नाज़रीन उसका एक ऐसा कारनामा जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया जो कि नामुमकिनात में साध्य था, जिस तरीके से अरशद नदीम ने दुनिया में एक ही शख्सियत होने के हवाले से एजाज अल्लाह ताला की मदद से हासिल किया, इसी तरीके से इस शख्स ने भी एक ऐसा वो कहते हैं कि कारनामा सर अंजाम दिया जिसे दुनिया आज भी सोचती है तो उसे अपने पर एहसान करार देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम में से ज्यादातर लोग नहीं जानते, वो भी मैं अभी आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा नाज़रीन किस तरीके से वो शख्स जो दूसरों को रेस्क्यू करता था या उनकी डेड बॉडीज को ढूंढता था, खुद जब लाश में तब्दील हुआ तो उसकी डेड बॉडी किस हालत में मिली और आखिरी वक्त में उसके साथ जो मामला पेश आया वो क्या था, ये सारी चीजें मैं आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा मैं उनकी शहादत का जिक्र कर दूं। नाज़रीन मुराद सदपारा एक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, कोहे पेमाई का एक बड़ा जाना पहचाना नाम, बेताज बादशाह लेजेंड जो पाकिस्तान के बहुत सारे वो कहते हैं कि मुहिमात को सर्च कर चुका है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान के नाम को रोशन कर चुका है, जिसकी कामयाबियों की इतनी ज्यादा वो कहते हैं कि मिसालें हैं जो कि खासतौर पर डायरेक्टली पाकिस्तान से लिंक्ड हैं कि आप जब उन्हें सुनते जाएंगे तो बीच में ही खोते चले जाएंगे। लाइक आप इसमें एक देखें कि ये दुनिया का वाहिद कोहे पैमा है, दुनिया का, जिसने केटू की चोटी पे जब वो कहते हैं कि पाकिस्तानी परचम लहराया तो अपनी शर्ट उतार दी, यानी केटू की चोटी के सरतरीन मुकाम पर अपनी शर्ट उतारकर पाकिस्तानी परचम हाथ में पकड़कर दिखाकर उसका ना सिर्फ नाम बुलंद किया बल्कि पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का भी इजहार किया। इसी तरीके से नाज़रीन ये वो कमाल की शख्सियत है जिसने 2022 में ब्रॉड पैक में फंसे हुए हजारों कई दर्जनों को, सर हजारों नहीं बल्कि दर्जनों कोहे पैमाओं को अकेले जाकर रेस्क्यू किया, खुदा ना खासा ये ना जाता तो वो सारे के सारे भाई एक्सपायर हो जाते। इसी तरीके से नाज़रीन 2023 में ये केटू से अफगान कोपेमा अली रजा सखी जो के हादसे का शिकार हो गए थे उनकी डेड बॉडी को ढूंढने वाली टीम में शामिल थे। इसी तरीके से इसके अलावा अपने दोस्त हसन शगरी की डेड बॉडी रिकवर करने में भी ये शामिल थे, उस टीम का हिस्सा थे। और ये जो वीडियो आप साथ साथ देख रहे हैं ये बेसिकली हसन शगरी साहब की डेड बॉडी है जिसे ये मुराद सदपारा रिकवर कर रहे हैं। और आपको अंदाजा हो रहा है कि जब ये इस तरह दबी होती है तो किस हालों में होती है, और आप अंदाजा लगाइए कि कितनी मुश्किल और मुसीबत के साथ एक डेड बॉडी रिकवर होती है। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि जिस तरह आज हसन शिगरी की ये डेड बॉडी पड़ी है, इसी तरीके से मुराद जो सतपारा है उनकी डेड बॉडी रेस्क्यू हुई है। ये बेसिकली नायला कियानी साहिबा ने जो कोहे पैमा है उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त वीडियो पैगाम दिया, उन्होंने दरखास्त की पाक फौज से, पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिंदा रेस्क्यू इन्हें नहीं कर सके, बहरहाल की डेड बॉडी रेस्क्यू हो गई है। दूसरा नाज़रीन अब मैं आपको जो असल बात बताने लगा हूं, अल्लाह ताला की मगफरत करे, लेकिन बेसिकली मेरा अगेन वही एक आप लोगों से मुतालबा होता है कि इस बात को आगे बढ़ाएं और इसे कौमी फरीजा समझ के बढ़ाएं, जिस तरह मैं कौमी फरीजा समझ के इस वीडियो को बना रहा हूं, कि हमारे जो कौमी हीरो हैं वो अपनी जिंदगी में इंतहाई कसम कुर्सी में रहते हैं, मुश्किलात में रहते हैं, उन्हें बड़े सौतेलेपन के सलूक का सामना करना पड़ता है। और मजेदार बात यह कि ये वो सारे लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, पाकिस्तान के परचम को सरबुलंद करते हैं, पाकिस्तान के लिए इज्जत का बाइस हैं
और आप देखें कि पाकिस्तान के लिए अपना तन मन धन कुर्बान करना इनके लिए जुर्म बना दिया जाता है और जिंदगी में इनको एक तंगी दी जाती है। इसका अभी मैं आपके सामने जो वीडियो की सूरत में वो कहते हैं कि रखने लगा हूं सबूत, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मरने से पहले किन हालों में थे ये और इन्होंने किस खूबसूरती के साथ अपनी गुर्बत और अपनी मजबूरी का इजहार किया। कि मुन का नाम नहीं ले सकूंगा वो अवला से मारे रसा कट गया तो मैं क्या करूंगा, मजदूरी मेरी मजबूरी है बच्चों की परेशानी है। बेसिकली बता रहे हैं कि जनाब मेरी मजबूरी है, ये मेरी मजदूरी है, बच्चों की परेशानी है और अगर कभी ऐसा हुआ, कोई हादसा हो गया, रस्सा कट गया तो मैं क्या करूंगा। अभी फिलहाल तो इतला जड़ी आ रही के ऊपर से पर वो कहते हैं कि लुढ़कता हुआ पत्थर उन पर गिरा जिसके नतीजे में वो उसके नीचे दब गए और शहीद हो गए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेसिकली जो इन्होंने पूरा लिबास पहना हुआ है, इस लिबास को हासिल करने के लिए इन्होंने कितनी तगोदो की है, इस लिबास के हसूल के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है और बेसिकली हमारे जो मुकामी इदारे होते हैं वो किस तरीके से इनके साथ सौतेला सलूक करते हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि अरशद नदीम की जो कामयाबी है, अल्लाह ताला की मेहरबानी से जिंदा सलामत हालत में हमें नजर आ रहे हैं और अल्लाह ने उन्हें इज्जत दी है, लेकिन हमारे जो मेजोरिटी ऑफ एथलीट्स हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, बुलंद करते हैं और पाकिस्तान के चमकते दमकते सितारे, उन्हें किस तरीके से हमारा यहाँ का निजाम गहना रहा है। जब मैं किसी मसले को एड्रेस करती हूँ तो आप लोग कहते हैं कि समर के मसले खत्म नहीं होते हैं, तो समर के नहीं, इस मुल्क के मसले खत्म नहीं होते हैं। जब आपका एथलीट सर झुका के अपनी मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान को हर मुल्क में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां उसको मंथली सैलरी नहीं मिल रही, कोई रिहैब, मेडिकल, ट्रैवलिंग असिस्टेंस कुछ नहीं मिलता, पूरा साल हम लोग स्पॉन्सर्स के पीछे ख्वार होते हैं और जिंदगी में पहली दफा जब कोई इंटरनेशनल ब्रांड हमें कोई स्पोर्ट्स आइटम स्पॉन्सर करता है तो आपके कस्टम वाले वो पकड़ के बैठ जाते हैं। 3 हफ्ते हो गए हैं मेरे माउंटेनियरिंग बूट्स नहीं रिलीज कर रहे लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कस्टम से और जब मैं मांगती हूँ तो मुझे 50,000 का बिल पकड़ा देते हैं कि स्टोर का कराया, तो स्टोर में आपने मेरी चीज मेरी मर्जी से रखी हुई है जो मैं उसका किराया पे करूं और मैं क्यों दूं 50,000। और संडे मार्केट से पुरानी माउंटेनिंग शॉप से बड़ी मुश्किल से हमारी एक एक चीज हम ढूंढते हैं, 4-5 सालों में हमारी स्पोर्ट्स किट पूरी होती है और जब आपने अपने एथलीट को सपोर्ट नहीं करना, स्पोर्ट्स कभी भी आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो कम अज कम हमारा जीना तो ना हराम करें। जो रिसोर्सेज हम अपने लिए खुद अरेंज करते हैं वो हम तक पहुंचने दें। आई वॉन्ट माई माउंटेनियरिंग बूट्स बैक एट माई पोस्टल एड्रेस। आखिर में खातून ने जो बात की है वो बड़ी काबिले गौर है कि भाई आप तो हमें कुछ नहीं दे रहे, आप हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने सर पे जो चीज कर लेते हैं खुदा के लिए उस पे तो रखना ना डालें, हमें अपने हाल में तो जीने दें, हमारे लिए इतना बड़ा जुर्म ना बना दें। हम अगर स्पोर्ट्समैन बन गए, वुमेन बन गए हैं, हम ऐसे नाकर्दा गुनाहों की और खासतौर पर पाकिस्तान से मोहब्बत की गुनाह की सजा क्यों दे रहे हैं? यानी पाकिस्तान से मोहब्बत गुनाह बना दी गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।